हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 11 का मैथ का होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, इसको अध्ययन करने से पहले जाना जाए कि प्रश्नावली किससे संबंधित है। हम इसमें जानेंगे जो आपका पहला होगा उचित समुच्चय होगा। उचित समुच्चय प्रॉपर सबसेट होता है। ये क्या होता है? मान लीजिए कोई आपका सेट ए है 1 और 2, ठीक, और एक सेट आपका बी है 1 2 3 4। कह रहा है कि बताइए कि ए प्रॉपर सबसेट बी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ए का प्रत्येक बी में है कि नहीं, और बी का कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि ये कि नहीं होगा। तो जान लीजिए आपका ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा, उचित उपसमुच्चय होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके बाद उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना हो, कोई सेट दिया हो उसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से n। यही आपका पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया गया था, पुनः इसका थोड़ा डिस्कशन कर लिया हूँ। या आप इसको देखिए और प्रश्नावली को आसानी से आप समझ ना सकें। तो आइए, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन 1 है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक प्रॉपर सबसेट है या प्रॉपर सबसेट नहीं है को भरना है। पहला में पहला पार्ट दिया, देखिएगा 2 3 4 है, 2 3 4 है, ये आपका सेट दे दिया, और यहाँ पर खाली स्थान दिया है, और यह आपका दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कह रहा है यह इसका प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं, देख रहे हैं 2 इसमें 2 है, 3 इसमें 3 है, 4 इसमें 4 है। जब ये पूरा मिल रहा है इसका 1 5 देखिए इसमें नहीं है तो लिख देंगे आपका प्रॉपर सबसेट है। इसका दूसरा पार्ट देखिए, पार्ट आपका जो है ए बी सी, इसे दिया ए बी सी, और ये खाली स्थान में भरना है आपका बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। और देखिए ए नहीं है, बी है, सी है, यानी इसका अवयव इसमें नहीं है तो लिख देंगे नॉट प्रॉपर सब। अब आइए आपका दिया तीसरा, इसका जो पार्ट है कह रहा है यक्स डेट यक्स आपकी विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, दिया यक्स डेट यक्स कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। अब यहाँ खाली स्थान दिया, अगला ये जो दिया सेट तो कह रहा है कि यक्स डेट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, ठीक है। देखिए कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी हो, वही लड़का हो तो मिल रहा है, प्रॉपर सबसे होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसी टाइप का अन्य पार्ट्स हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच करना है कि ये कथन सत्य अथवा असत्य, ये कथन सत्य अथवा असत्य। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन आपका 2 है, ये जांच करना है सत्य सत्य है, सत्य है या सत्य है, ये जांच करना है। पहला दिया आपका ये आपका ए बी, ये आपका ए बी, और ये सब प्रॉपर सबसेट नहीं है बी सी ए। देखिए ए है, ए है, बी है तो बी है, यानी एक और प्रॉपर सबसेट है कि नहीं,
ये तो आपका प्रॉपर सबसेट है, आप कह रहा नहीं है, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा पार्ट देखिए इसका, कह रहा एक दो तीन, एक दो तीन, और यहाँ पर दिया सबसेट, प्रॉपर सबसेट आपका एक तीन पाँच। देखिए एक है दो नहीं है तीन है, यानी ये दो इसमें नहीं मिल रहा, ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट दे रहा है, कहा जाएगा असत्य। ठीक है, अब आपका दे रहा अगला जो पार्ट है ए, और ये आपका प्रॉपर सबसेट दे रहा है ए बी सी, और ये सत्य है कि सब। देखिए ए इसमें मिल रहा है, अभी इसमें नहीं मिल रहा, इसका आया इसमें एक कोई ना कोई ऐसा आया और इसमें न मिले, इसका पूरा आया इसमें मिले, तो आपका प्रॉपर सबसेट होगा, ये जो दिया आपका है आपका सत्य है। ठीक है, ये आपका अन्य जो पार्ट है, इसके बाद आप इसी तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है, कह रहा है कि ये आपका दिया ए, फिर दिया ए इक्वल टू आपका वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अब यह आपका कह रहा है कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण देना। पहला इसका पार्ट दिया है तीन चार, तीन चार। ठीक है, ये आपका सबसेट ए, प्रॉपर सबसेट ए है नहीं, तो तीन है, यहाँ देख रहे हैं तीन है, चार है तो चार है, तो प्रॉपर सबसेट है, आप ले देंगे सत्य। दूसरा इसका पार्ट दिया दीजिए तीन चार, तीन चार, देखिएगा एक दो पांच, ये आपका प्रॉपर सबसेट ए। एक देखिए है, दो है, पांच है, तो प्रॉपर सबसेट होगा, ये सत्य होगा। इसी तरह जांच कर लीजिए, यानी इसका अवयव अगर इसमें है, इसका कोई ना कोई अवयव इसमें न हो, तो जान लीजिए आपका प्रॉपर सबसेट होगा, और नहीं है तो जान लीजिए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री है, अन्य जो आप इसके पार्ट्स हैं इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में करना है उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना। देखिएगा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव उप समुच्चयों के अवयव लिखना है, जैसे आपका दिया कि इसका उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा। देखिएगा इसका उप समुच्चय की संख्या आपका टू टू दी पावर एक मान का होगा वन। ठीक, यानी क्या हो जाएगा टू, उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा आपका टू। ठीक है, अब ये समुच्चयों की संख्या लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये आपका सेट बना सकते हैं, क्या होगा टू नहीं ए, और क्या हो जाएगा फाइव, ये दो हो गए। नेक्स्ट दिया ए बी, ये पहला पार्ट था इसका, यानी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है फोर का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट कह रहा है ए बी है, ये आपका सेट दिया है, यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या लिखे हैं उप समुच्चय की संख्या कितना आ जाएगा टू, देखिए टू टू दावर टू एलिमेंट है तो टू टू हो जाएगा, कितना आ जाएगा टू टू, टू टू दावर टू का मतलब फोर, यानी आपके फोर एलिमेंट होंगे इस साल, तो क्या लिख सकते हैं देखिए ए, और उसके बाद बी, उसके बाद ए बी,
ठीक है, और उसके बाद फाइव, ठीक है, ये चार जो है आपका, जो समुच्चयों की संख्या चार हो रही है, तो यही हो जाएगा चार। इसी तरह अन्य जो आपके इसके पार्ट हैं आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका फोर है, अब आइए क्वेश्चन नंबर ये आपका, यही आपका सिक्स है, ये फाइव है, यही क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है, कह रहा है कि निम्नलिखित अंतराल का रूप लिखिए। पहला आपका दिया देखिए आप फर्स्ट पार्ट, यक्स डॉट यक्स, ये आपका दिया है एलिमेंट ऑफ रियल, ये आपका माइनस फोर, यक्स इक्वल टू सिक्स, ये दिया है। इसको साफ ये बताना है कि कौन सा अंतराल होगा, या तो देखिएगा यहाँ आप देख रहे हैं तो माइनस फोर है, माइनस फोर, और यह आपका ये अपवर्जित होगा, अपवर्जित, क्योंकि ऋणात्मक है तो अपवर्जित हो जाएगा। ये सिक्स है तो यह आपका अंतर्विष्ट होगा, अंतर्विष्ट, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है तो अंतर्विष्ट हो जाएगा। तो जब ए एक अपवर्जित हो और एक अंतर्विष्ट हो, अपवर्जित ऋणात्मक मान, अंतर्विष्ट आपका धनात्मक मान, तो इस कंडीशन में ये जो आपका अंतराल होगा संवृत होगा, अंतराल संवृत अंतराल होगा, संवृत अंतराल होगा, ठीक है। अगर एक आप ए आपका दोनों ए दोनों माइनस हो, जैसे मान लीजिए माइनस और माइनस आ रहा है, ये आपका दोनों अपवर्जित होंगे, तो इस कंडीशन में आपका ये क्या होगा, खुला हो जाएगा, खुला अंतराल, ठीक। और जो ये रहता है वही अंतराल लिख देते हैं इसका, जैसे मान लीजिए आप रहा आपका माइनस फोर, तो माइनस फोर लिख देंगे और सिक्स, ठीक है। तो इसी तरह अन्य इसके पार्ट को ज्ञात कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हल किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।